नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली हरियाणा के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे पर उतरे अन्नदाता। सिंधु बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा तबलीगी जमात की तरह ना हो जाए दिक्कत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। पीएम मोदी ने दी एक और बड़ी सौगात। किशनगढ़ से अटेली तक पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का किया शुभारंभ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री गहलोत बीवीसी के जरिए जुड़े। पीएम की मौजूदगी में बोले सीएम गहलोत, यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह ने रचा था इतिहास। गहलोत ने राजस्थान के बंद पड़े रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू करने की उठाई मांग। प्रदेश में नहीं थम रहा पक्षियों की मौत का सिलसिला। जोधपुर जैसलमेर समेत कई जिलों में मिले सैकड़ों मृत पक्षी। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर पशुपालन विभाग सतर्क। अमेरिका के वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का हंगामा। संसद परिसर में किए गए बवाल में अब तक 4 लोगों की मौत। हिंसा को देखते हुए वॉशिंगटन मेयर ने 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया। अमेरिका में बवाल के बीच सोशल साइट का एक्शन। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने लॉक किया ट्रंप के अकाउंट। वहीं नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह बताया। अमेरिका हिंसा पर बोले पीएम मोदी, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा की खबरें देखकर काफी व्यथित हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी तरीके से नहीं होने दिया जा सकता प्रभावित। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की वीसी। देशभर की तैयारियों का ले रहे जायजा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी जुड़े वीसी से। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, बसपा विधायकों को नोटिस। बसपा ने कहा बसपा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, विलय का फैसला राज्य की यूनिट नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रीय इकाई पार्टी का विलय ना कर ले। एसबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की 3 कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के बही खातों को बताया फ्रॉड। फंड का दुरुपयोग, हस्तांतरण और हेराफेरी का आरोप। खराब रिश्तों के बीच ममता बनर्जी ने की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात। सचिवालय सूत्रों ने बताया शिष्टाचार भेंट। बता दें ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच काफी समय से मतभेद चल रहा है। फिर भरी पेट्रोल डीजल की कीमत। पेट्रोल 26 पैसे, डीजल 39 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आज पेट्रोल की दर रही 91.63 प्रति लीटर और डीजल 83.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। जस्टिस आरएस चौहान बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। देहरादून राजभवन में आयोजित हुआ समारोह। बदायूं गैंगरेप मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग। मुख्य आरोपी महंत अब भी फरार। बता दें 3 जनवरी की शाम मंदिर कई आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ मंदिर के महंत और उसके चेलों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर दी। मुरादनगर और बदायूं कांड ने बढ़ाई यूपी की सियासत में खलबली। इसी बीच सपा का एक प्रतिनिधिमंडल गाजियाबाद के मुरादनगर जाएगा तो दूसरा बदायूं में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या की रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। देश में घटने लगा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में आए 20,000 नए केस जबकि 222 लोग हारे कोरोना से जिंदगी की जंग। तो अब तक करीब 1 करोड़ लोग हुए ठीक। सोनू सूद के होटल पर बीएमसी ने किया नोटिस। पुलिस ने की कार्रवाई की मांग। बीजेपी ने कहा ये बदले की भावना से प्रेरित पूरा मामला रिहायशी इमारत को होटल में बदलने को लेकर है जिसकी शिकायत बीएमसी ने मुंबई पुलिस में की है। पंजाब में आज से शुरू होगी 5वीं से 12वीं तक की क्लासेस। कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। बीकानेर में 6 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। लोगों ने रामपुरा बाईपास पर लगाया जाम। जल्द गिरफ्तारी की कर रहे मांग। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मौके पर। बाड़मेर में भाजपा नेता की लग्जरी कार आग के हवाले। आरोपियों की करतूत। सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। भाजपा नेता ने लड़ा था जिला प्रमुख पद पर चुनाव। बर्फबारी से कश्मीर में थमी जिंदगी। 5 फीट तक जमी बर्फ। ईंधन की राशनिंग का आदेश। दुपहिया वाहन 3 लीटर तो निजी कारों 10 लीटर और कमर्शियल वाहन 20 लीटर तक ले जा सकते हैं इधर। भारत में 2050 तक 3 गुना हो जाएगी बुजुर्गों की आबादी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट का दावा। भारत में साल 2050 तक 31 करोड़ से अधिक हो जाएगी बुजुर्गों की संख्या। सौरभ गांगुली को अस्पताल से मिली छुट्टी। घर पर रखा जाएगा सेहत का ध्यान। शनिवार को हल्का दिल का दौरा पड़ने के बाद गांगुली को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच। पहले दिन टीम इंडिया को मिले सिर्फ 2 विकेट। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 166। भरतपुर के संजय नगर और कुम्हेर गेट के पास 2 कुएं मिले मृत। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने पशुपालन विभाग को सूचित किया। कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने पहल करते हुए कला दीर्घा में 10 लाख खर्च किए हैं। विधायक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कलाकार और प्रतिभागियों को मंच देने वाली कला दीर्घा के रूप को निखार दिया है। प्रतापगढ़ में चिटफंड कंपनी ठगी मामले में 2 छात्र ठगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, ठगों ने लोगों को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लगाया था। पुलिस अब इन दोनों से ठगी की रकम के विषय में पूछताछ करेगी। अजमेर के नसीराबाद कस्बे के गणेश हनुमान मंदिर से दिन दहाड़े चांदी के छत्र चुराते एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। भीलवाड़ा के मांडल थाना इलाके में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बूंदी के केशव राय पाटन इलाके में लगातार पक्षियों के मरने और अचेत होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते चिंता का विषय बना हुआ है। अजमेर में जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से पटेल स्टेडियम से जानवरों की अनोखी रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से दर्शाया गया कि अगर जानवर मास्क लगा सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और रबी फसल उत्पादन को लेकर कृषि वैज्ञानिकों से संवाद भी किया। जालौर के सायला में वीएचपी और आरएसएस ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में राम मंदिर को लेकर सभी गांवों की समिति बनाकर और बैठक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही घर घर जाकर निधि संग्रह को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में डीएलडी फर्स्ट ईयर की परीक्षा की शुरुआत हुई। बता दें, प्रदेश में 130 परीक्षा केंद्रों में डीएलडी परीक्षा का आयोजन हो रहा है और करीब 46,000 अभ्यर्थी डीएलडी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। पाली के सुमेरपुर में बाढ़ संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें पूर्णा सिंह देवड़ा को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए हर्षद देवड़ा विजयी हुए। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में चोरों ने 2 दुकानों पर धावा बोल दिया। चोरों ने हजारों की नकदी के साथ दुकान का सामान पार कर लिया। वहीं दूसरी दुकान में चोरी के लिए सेंधमारी का असफल प्रयास किया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से विधायक गुरमीत कुन्नर ने पदमपुर के बिंज बायला में किसानों से संवाद किया और जनसुनवाई की। इस दौरान विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत किसानों के प्रति चिंतित हैं और आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई है। अलवर के बांसुर उपखंड को भिवाड़ी से जोड़ने के लिए विरोध तेज हो गया है। बांसुर उपखंड को भिवाड़ी एसडीएम कार्यालय के अधीन नहीं करने को लेकर अलवर यूआईटी पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत ने विरोध जताया और ग्रामीणों से बैठक कर बांसुर बचाओ मोर्चे का गठन किया। बीकानेर में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर गत 27 दिनों से धरना लगा रखा है। साथ ही अभ्यर्थियों का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे गत 3 दिनों से क्रमिक अनशन भी जारी है। बारा के छिपा बड़ौत कस्बे में अकलेरा नाके पर सड़क के बीच हो रहा गड्ढा जानलेवा बना हुआ है। गड्ढे में संतुलन बिगड़ने से कई बार बाइक सवार और पैदल राहगीर गिरकर घायल हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के किशनगढ़ बास में नगरपालिका अध्यक्ष तारामणि सिंघल के पुत्रों पर हमला करने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। बता दें कि 6 दिन पूर्व हुई घटना के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में प्रशिक्षित पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा की अगुवाई में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अवैध रूप से बेचने के लिए रखी हुई शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उदयपुर के कुराबड़ में अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 1 ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर जिले में कुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में बीते दिनों में 50 से ज्यादा कुओं की मौत हो चुकी है, जिससे जिले में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। नागौर के लाडनू में रास्ता खोलो अभियान के तहत बाड़ेला गांव में एक कटानी रास्ता खुलवाया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशों पर रास्ते को तहसीलदार कार्तिकेय मीणा ने पुलिस जाब्ते के साथ खुलवाया।
डूंगरपुर की पंचायत समिति सीमलवाड़ा में नवनियुक्त विकास अधिकारी हरकेश मीणा का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। नागौर के रियाबड़ी के उपखंड कार्यालय में एसआईटी की मासिक बैठक एसडीएम सुरेश के एम की अध्यक्षता में की गई। बैठक में एसडीएम ने बजरीलाल लीज धारकों को निर्देश दिए कि लीज भूमि के 33% हिस्से पर वृक्षारोपण किया जाए। दौसा के सिकराय के गढ़ गांव में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने सब स्टेशन इंचार्ज को ज्ञापन सौंपा। बता दें गांव में रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली कटौती होती है, जिससे छात्र और किसान ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नागौर के जसनगर कस्बे में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कस्बे की विभिन्न समस्याओं के बारे में प्रस्ताव लिए गए। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण गोपाल शर्मा, सरपंच अशोक सांखला सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। नागौर के रियाबड़ी इलाके में अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाने के लिए खान विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खनन के लिए बनाए गए अवैध रास्तों की जेसीबी मशीन से तोड़ दिया। दौसा के सिकराय के गढ़ गांव में अज्ञात बदमाशों ने चाय की थड़ी में आग लगा दी, जिससे थड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। सवाई माधोपुर के वामनबास में विधायक इंदिरा मीना किसान बचाओ देश बचाओ जन चेतना कार्यक्रम के तहत विभिन्न गांवों का दौरा उन्होंने किया। इस दौरान विधायक ने किसानों से संवाद कर कृषि कानूनों के दुष्परिणामों की जानकारी दी। रामदेवरा के एडिशनल एसपी राकेश बैरवा का स्थानांतरण होने पर कई थाना अधिकारियों ने उनका विदाई समारोह आयोजित किया। समारोह में माला और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। कोटा में मोरपा गोराजी के पास देर रात ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर में मौसम का मिजाज बदला, बारिश के बाद सर्द हवाओं के साथ कोहरा भी छाया रहा। कृषि विभाग ने मौसम के बदलाव को फसलों के लिए फायदेमंद बताया। नागौर के डीडवाना में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अचानक ठंडक बढ़ गई है और सर्द हवाओं के कारण मौसम में हो रही गलन से लोग ठिठुर रहे हैं। वहीं कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। अजमेर में क्लॉक टावर में पुलिस ने चल रहे सट्टे पर कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 51,000 रुपए और 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। NH-148D केवट नगर के पास एक ट्रेलर मवेशी को बचाने के चक्कर में खाई में जा गिरा। हादसे में चालक और परिचालक को मामूली चोटें आईं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। सवाईमाधोपुर के बोली में लगातार दूसरे दिन भी कोहरे से जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह से ही विजयगढ़ पहाड़ी कोहरे की चादर ओढ़े नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक सर्दी में तेजी आने की संभावना है। बाड़मेर के बालोतरा में कोहरे के कारण बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे वाहन सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के इटावा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में छाए घने बादलों के साथ ही सर्द हवाओं के चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। वहीं इस मौसम के बदलाव से फसलों को फायदा हुआ है। पाली के बाली एडिशनल एसपी ब्रजेश सोनी के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस ने मुंडारा के पास महादेव मंदिर के पास नाकाबंदी के दौरान तलाशी में 20 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। झालावाड़ एसपी किरण कंग सिद्धू ने मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान शुरू कर रखा है, जिसके तहत पुलिस ने अवैध गांजे के पौधों को जब्त किया है। झालावाड़ जिले में शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही प्रवासी पक्षियों का आवागमन शुरू हो जाता है। जिले के विभिन्न जलाशयों में करीब 140 तरह के विदेशी प्रवासी पक्षियों की अटखेलियां देखी जा सकती हैं, जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। सिरोही के रेवदर में यूथ कांग्रेस विधानसभा महासचिव कैलाश मेघवाल ने भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह के निधन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या एक्शन में नजर आई। मेयर अपने प्रस्तावित मुरलीपुरा जोन के दौरे से 2 घंटे पहले 7 बजे ही जोन में पहुंच गई, जहां सफाई कर्मचारियों के अनुपस्थिति मिलने पर मेयर नाखुश दिखाई दी। माउंट आबू की वादियों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। यहाँ न्यूनतम तापमान -1 के करीब बना हुआ है। मैदानी इलाकों में बर्फ की परत नजर आई। चक्रवाती हवाओं के कारण जैसलमेर का मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। सर्दी के चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रखा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं सर्दी के चलते सड़कें भी सुनसान पड़ी हुई हैं। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप सिंह ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान DIG ने विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण किए और साथ ही पुलिस कर्मचारियों को साफ सफाई रखने और फाइलों को सुव्यवस्थित करने के आदेश दिए।
भीलवाड़ा के काशीपुरी स्थित शीतल भवन में पिछले 5 दिनों से संथारा ले रही साध्वी ने आज अपनी देह त्याग दी। साध्वी अर्चना कंवर यश कंवर मारसा की शिष्या हैं और कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ उनके अंतिम दर्शन किए गए। प्रदेश में 90 नगरपालिका नगर परिषद चुनाव की तिथि घोषित हो जाने और आचार संहिता प्रभावित हो जाने को लेकर विजयनगर नगरपालिका की ओर से शहर में लगे विभिन्न राजनीतिक दलों और राजनेताओं से संबंधित बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू कर दिया गया। सीकर के नए एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता परिस्थितियों को समझकर गैंगवार को तोड़ने की रहेगी। इसके लिए वो जिलों की भौगोलिक स्थिति का पता लगाकर गिरोह को तोड़ने का काम करेंगे। सिरोही के रेवदर में अनादरा थानेदार पदमपाल सिंह और समाजसेवी महेंद्र सिंह ने भामाशाहों के साथ मिलकर एक गरीब परिवार की मदद की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक समूह बनाकर 60,000 रुपए इकट्ठे किए और अशोक कुमार ओट को दे दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आपका ही मजा आइए, जल्द लौटते हैं। बाड़मेर के समदड़ी में क्राइम ब्रांच आरपीएफ ने एक दुकान से अवैध रूप से रेल यात्रा आरक्षित ई टिकट बना रहे युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी से 32 टिकट भी बरामद किए। दौसा में नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया के बाद विधायक मुरारी लाल मीना ने पार्षद और अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेते हुए कहा कि अधिकारी पार्षदों को वार्ड का विधायक मानते हुए उनके कार्य का निस्तारण करें, जिससे विकास की गति बन सके। भीलवाड़ा शहर में एक शक्कर व्यापारी की स्कूटी से 2,50,000 रुपए की नकदी से भरा बैग अज्ञात लुटेरे ले उड़े और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच शुरू कर दी। विजयनगर के बॉडी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में बोनस वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समिति के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने कहा कि आने वाले दशकों में भी अजमेर डेयरी में पर्याप्त मात्रा में दूध की खपत होगी। और चलिए आपको एक बार फिर से जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर वैभव गहलोत पहुंचे हैं और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें जहां वैभव गहलोत आरसी अध्यक्ष का दौरा है और उस दौरान की ये तस्वीरें जहां किशोर गृह पहुंचे हैं वैभव गहलोत। तो ओपन जिम का उद्घाटन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के दौरान वैभव गहलोत नजर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। किशोर गृह की ये तस्वीरें हैं जहाँ ओपन जिम का उद्घाटन किया जाएगा। तो ओपन जिम जिसका उद्घाटन आज जोधपुर के किशोर गृह में होने वाला है और ये उद्घाटन वैभव गहलोत आरसी अध्यक्ष करने वाले हैं और इसी दौरान वो इस किशोर गृह में पहुंचे हैं। तो क्या सुविधाएं होंगी इस ओपन जिम में, किस तरह से ये नया होगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज इसका उद्घाटन है और इस उद्घाटन में वैभव गहलोत पहुंचे हैं किशोर गृह, जोधपुर की ये तस्वीरें। तो अब से कुछ ही समय में और ये उद्घाटन अब वैभव गहलोत करने वाले हैं और इसी के साथ किशोर गृह जो जोधपुर में है वहाँ ओपन जिम का उद्घाटन हो जाएगा और ये ओपन जिम जिसका उद्घाटन किया है और शिलान्यास श्री वैभव गहलोत जो पट्टी है वो आप देख सकते हैं, जिसका उद्घाटन आज वैभव गहलोत आरसी अध्यक्ष ने किया है। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी ये भी देखना होगा। तो किशोर गृह पहुंचे हुए हैं वैभव गहलोत और काफ़ी तैयारियां यहां पे की गई हैं वैभव गहलोत के आने पर। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं जहां ओपन जिम का उद्घाटन कार्यक्रम और इस को उद्घाटन जो है अभी कुछ ही पलों पहले वैभव गहलोत ने किया। तो किशोर गृह जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिलान्यास कार्यक्रम और इस शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वैभव गहलोत मौजूद हैं। राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह जोधपुर जहां पर ओपन जिम का शिलान्यास कार्यक्रम करने इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं वैभव गहलोत। हालांकि कोविड है तो इसको देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालना यहाँ की जा रही है, मास्क सभी ने यहाँ लगाए हुए हैं और जिस तरह से जो गाइडलाइन दी हुई है उन नियमों की पालना पूरी तरह से हो रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर।
उदयपुर के गोगुंदा में थाना अधिकारी मुंशी मोहम्मद पठान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 1 अन्य आरोपी को नामजद किया है। अजमेर के होटल पैरामाउंट में पुलिस अधिकारी छवि शर्मा ने टीम के साथ कार्रवाई की है। इस दौरान होटल में रुके हुए लोगों को खुलेआम शराब पिलाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर होटल में रुके लोगों को उनके कमरों में भेजा। धौलपुर में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका के चलते उप वन संरक्षक कैलाश चंद मीणा ने क्षेत्रीय वन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, साथ ही इसे लेकर जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। धौलपुर में अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी का चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। बता दें कार्यकारिणी के चुनाव के लिए 16 जनवरी को मतदान होगा। वहीं चुनावों को लेकर कोर्ट परिसर में चुनावी हलचल तेज हो गई है। कोटा में नगर विकास न्यास को पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने चेतावनी दी है कि अगर न्यास ने गरीबों की आबाद बस्ती में आवासीय योजना के नाम पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया तो उसे जनता से टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। झुंझुनू में निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर कलेक्टर यूडी खान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मतदान करवाने के निर्देश दिए। जालौर के आडवाड़ा आकोली में बर्ड फ्लू को लेकर पक्षियों में खतरा देखने को मिल रहा है। इन दिनों गांव में एक साथ 29 से अधिक मृत कौए मिलने से बर्ड फ्लू की दस्तक देखने को मिल रही है, जिसे लेकर वन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बाड़मेर के सिवाना के सिनेर गांव में लंबे समय से संचालित हो रही 3 अवैध फैक्ट्रियों पर एसडीएम कुसुमलता चौहान ने कार्रवाई कर सीज की। बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना काफी समय से ये अवैध धुपाई फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट स्थित तेजा चौक के पास 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। बता दें कि 2 बाइकों में मामूली भिड़ंत हो गई थी, जिससे दोनों बाइक सवार युवकों में आपस में कहासुनी मारपीट में बदल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के युवकों को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के अपर सेशन एवं सत्र न्यायालय ने 8 वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले की आरोपी महिला को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक के शर्मा ने बताया कि वर्ष 2012 के दहेज हत्या के प्रकरण में आरोपी को अपनी पुत्र वधु के दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में सजा सुनाई है। आबकारी विभाग ने बांसवाड़ा स्थित अवैध शराब के ढाबे पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान आबकारी विभाग ने 2-2 लीटर की बोतलों में भरी हुई अवैध देसी हथकर शराब भी जब्त की। सिरोही में संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने दौरा किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने सामान्य चिकित्सालय, उपखंड कार्यालय और पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। जैसलमेर में कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल और डीजल की दैनिक बिक्री के कलेक्शन की लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 1 आरोपी सहित चुराई गई 13,10,000 रुपए की राशि भी बरामद की। अलवर के रामगढ़ के मुख्य मार्ग पर गंदे पानी भरा रहता है, जिसे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें इस संबंध में लोगों ने अधिकारियों को कई बार शिकायत की है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।